हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशापुरी गारमेंट। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वर्कर ऐसा पेटी कोड बताने वाला हूँ जिसकी लंबाई जो है 42 आती है, यानी कि 42। और इसकी प्रोसेस क्या होने वाली, इसकी जो कटिंग है, इसे सीते कैसे, वो हमारे जो मास्टर है आज हम उनसे सीखेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, और कितने मीटर में ये बनता है ये भी हम देखेंगे। और देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से हमारा जो है पेटी कोड दिखता है। ये देखिए, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। और इसकी प्रोसेस जो है क्या होने वाली है वो देखने वाले हम। हेलो मास्टर, कैसे हो आप? ठीक है ना भाई? तो क्या प्रोसेस है मास्टर आज के हमारे? हम ये 42 इंचों का बनाएंगे, पेटी कोट पट्टी वाला। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं फिर पट्टी वाला। गाइस देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी पट्टी होती है। इस पे मछली डिजाइन भी आ गई है यहाँ पर। अब इसकी प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। 42 इंचों कपड़ा जो है ना डबल लेंगे। 42 इंचों कपड़ा डबल, क्या बात है भाई। देखिए इसको कटिंग कर लेने साइड से। ये देखिए सब पूरी कटिंग है यहाँ पर। अभी साइड से कट कर लेना। ये देखिए बस, बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे 3.5 इंच लेते हैं, 3.5 इंच लेना। ये देखिए गाइस, अब इसे रेस करना है भाई। इसमें पट्टी अलग से लगेगी क्या? हाँ, पट्टी अलग से लगाएंगे। ये देखिए गाइस, भाई जो अपने पट्टी अलग से डालेंगे मास्टर अपने। पट्टी इसके ऊपर ही जो है काट लेनी है। पट्टी इसके ऊपर ही काटनी है, नेफे के साथ ही जो है ना पट्टी भी लिख लेंगी। ये देखिए गाइस, इसे रेस कर लेना है पट्टी के लिए। क्या बात है भाई, देखिए अभी से इतना से वो टुकड़ा निकाल देना है यहाँ पर। हाँ, ये टुकड़ा नेफे के लिए जो है ना। अच्छा, ये निकाल लेना है। ये देखिए इतना टुकड़ा निकाला है मास्टर ने। इनकी पट्टी जो है कटिंग हो रही है। ये लेंथ तो जो है 42 रहती है पेटीकोट की। कमर जो है 40, 41 आती है हमारी। अच्छा, और गाइस अगर आपको कुछ बिजनेस करना है तो उसके लिए भी हमारे पास माल अवेलेबल है। और आपको और कुछ चाहिए तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपको कुछ जानकारी चाहिए तो सब क्वालिटी रहती है अपनी इधर। पेटी कोड पूरी टोटल क्वालिटी है। क्या बात है भाई, ये देखिए आप घर बैठे बिजनेस कर सकते हो। बनाते है, क्वान्टिटी में बनता है आपको। क्या बात है, सिखाने के लिए जो हम लोग एक प्रोसेस चालू किए है। अच्छा, मतलब सिर्फ वो सिखाने के लिए प्रोसेस है, बाकी आपका पूरा बोले तो बिजनेस भी है। बिजनेस भी है, मतलब बोले पूरी कंपनी आपकी, पूरी गारमेंट है हमारा है। अच्छा, ये देखिए गाइस, आपको घर बैठे भी जो बिजनेस कर सकते हो आप, आपको यहाँ पर ऑप्शन में भी माल मिल जाएगा। 5.5 इंच लेने का, 5.5 इंच लेने। ये देखिए अभी इधर भी 5.5, अभी से रेस करने। तो भाई इतनी लंबाई मतलब कैसे लंबी है? औरतें आते हैं ना उनके लिए जो है मिलता नहीं है मार्केट में, तो हम लोग जो है रखते सिर्फ आपके लिए अवेलेबल है। क्या बात है, 40 इंच का जो है ना बहुत से ग्राहक आते हैं तो हम लोग स्पेशल बनाते हैं। मतलब कहीं कहीं मिलता नहीं है ना, मतलब आपके पास है, अवेलेबल है, आपके वहीं ज्यादा बनता है मतलब। क्या बात है भाई, देखिए हम लोग बड़ा साइज का भी जो है बनाते हैं। अच्छा, इससे बड़ा भी आता है? नहीं, ये तो 42 है, ये 42 है मतलब। अच्छा, रेगुलर जो है छोटा बनता है ना। अच्छा, 38 से 38.5 इंच रहता है। तो ये फुल 42 का रहता है। फुल 42। क्या बात है भाई, मतलब आपको ज्यादा भटकना नहीं है, सीधेदार आ जाना है। कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट से आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉन्टेक्ट में भी कुछ बोल सकते हो, मंगा सकते हो।
ये देखिए, आप कमेंट भी कर सकते हो गाइस। ये देखिए बता देते हैं, ये इनका पूरा रेडी हो चुका है, ये और एक और भाई ने रख दिया, अभी इसे सी के बताएंगे। चलिए भाई पूरी 45 हमारी लेंथ आएंगी अभी। ये देखिए मास्टर, देखिए पूरी 45 लेंथ बता रहे, देख सकते हो आप यहाँ पर। अभी ऐसे सी के हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं हम इसे सीने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। ये सीधा हिस्सा रखने का जो है ना, पहले सीधा हिस्सा जो है सीने का, इसको छोटी गल्ली जो दो है ना, ये देखिए जो है सीधा हिस्सा लेने का, बहुत ही अच्छे तरीके से सीने का जो है। इसे देखिए एक दांत सीना है पूरा, ये पूरा कंप्लीट करना है गाइस। ये देखिए हमारे मास्टर बहुत अच्छे तरीके से बता रहे यहाँ पर। ये पूरी एक दाब इसे कंप्लीट करने वापिस जो है बड़ी कली जो है लेने का, एक तो छोटी के बाद एक बड़ी कली, इसे भी उसी तरीके से रखने। ये देखिए गाइस छोटा मुंह जो है ऊपर की तरफ, ये तो ऊपर से सीने का कमर की तरफ से जो है कली जोड़ने का, उससे कमर के हिस्से पे जो है परफेक्ट तो आता है। और गाइस आपको ना इससे बेहतरीन बिजनेस कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपको गाइस बिजनेस करना है घर बैठे या कुछ दुकान उकान डालनी, आपको माल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं। आपको जिस जैसा प्रकार चाहिए, जैसा पेटीकोट चाहिए, हमारे पास सब अवेलेबल है। और आप क्या बोलना चाहोगे मास्टर? हमारे पास क्वान्टिटी में कलर रहते है, भरपूर कलर रहता है हमारे पास, मतलब सब रेंज है। हाँ रेंज सब रहती है, पेटीकोट के अंदर जितनी क्वालिटी है ना सब रहता है। देखिए क्या बात है गाइस, आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मतलब खाली आपके लिए सिखाया जा रहा है, हम लोग जो है शौक के लिए वो सिखा रहे हैं कि चलो भाई जो है बहने जो घर पे रहते हैं वो घर बैठे भी सीख सकते हैं ऐसा। ये देखिए गाइस भाई की यहाँ पर जो सोच है बहुत ही अच्छी है, बोले तो आपके लिए सब सिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो इनका जो है पूरा दिक्कत रही कटिंग में, हमारे से जो है कॉन्टेक्ट कर सकते है, हमारा नंबर दिया हुआ है। ये देखिए गाइस आपको भाई बोल भी रहे, हमारे जो मास्टर हो बोल भी रहे कि आपको अगर कुछ दिक्कत आई तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, कमेंट भी पूछ सकते हो आप हमसे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो है और एक हिस्सा जो है जोड़ने का, छोटी जो है बड़ी हो गई ना तो और एक हिस्सा रखने का वापस। ये देखिए अभी वापस और एक हिस्सा रखने, बड़ी होने बाद छोटी कर दी, इसे भी पूरा कम्प्लीट करना है। ये देखिए पूरी कम्प्लीट हो चुकी है यहाँ पर, एक दाब सीना गाइस इसे, ये वापस जो एक बची हुई है कली अभी ये देखिए नीचे रखकर, अभी एक जो कली बची है हमारी वो इसे नीचे रख करके जोड़ देंगे हम। ये देखिए गाइस इसे भी एक दाब से सीने, ये देखिए गाइस इनकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये देखिए गाइस इसे जो तीन इंच जो है कंपलसरी लेने का, ये कंपलसरी लेना ही होता है। ये देखिए गाइस आप, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में हमारे जो मास्टर है वो भी आपको बताते हैं कि आपको ये कंपलसरी मोड़ना ही है। ये जो हम लोग 7 इंचों का एक्स्ट्रा काटे है कपड़ा कमर के लिए नेफे में, ये अटैच कर लेने का इसको वापिस, सी लेने का इसको। ये देखिए इसे ज्वाइंट कर लेना है गाइस। पर मास्टर हमारे जो दोस्त है, जो हमारे जो गाइस है, ये हमारी वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। करेंगे जिसको सीखना आ गया तो वो करेंगे जो। हाँ वो तो है, देखिए गाइस मास्टर क्या बात बोल रहे हैं कि जिसको सीखना आ गया वो करेगा। ये देखिए इसे ही मोड़ लेने, बहुत ही अच्छे तरीके से, बस ये ध्यान रखने का। देखिये हम एक दाब कपड़ा जो छोड़ते है ना, ये ध्यान रखना है। देखिए आपको एक दाब जो कपड़ा जो होता है वो छोड़ते हैं हमारे मास्टर, वापिस जो एक दाब कंटिन्यू छूटा ही रहना चाहिए। ये देखिए ये सीन है, ये देखिए गाइस ये इस तरीके से कपड़ा छोड़ना है, ये खूबसूरत दिखता है नेफा जो है ना, और एक सिलाई भी बच जाती है आपकी जो है। अच्छा, एक सिलाई भी बच जाती है। हाँ जी, दो सिलाई में काम हो जाता है नेफे का। ये देखिए गाइस इसे जो है नेफा अंदर की तरफ जो है मोड़ लेने, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से टचिंग कर लेना, यानी कि पक्का कर लेना, इससे आपकी जो सिलाई खुलेगी नहीं
अब मजबूत रहेगी, वापिस जो है इस टाइप में मोड़ना है इसको। ये देखिए इस टाइप में से मोड़ना है अंदर की तरफ, अलग स्लाइड मारनी, यहाँ वापिस टचिंग कर लेने का स्टार्ट की। तो ये देखिए गाइस अलग की स्लाइड मार रहे हैं यहाँ पर भाई। ये देखिए गाइस लब की सिलाई मारने बाद इस तरीके से आपकी जो है दिखती है सिलाई। ये देखिए गाइस यहाँ पर जो लब की सिलाई टचिंग कर लेने का, पक्का कर लेने का जी। क्या भाई देखिए अभी हमारा जो परकर है रेडी हो चुका है। अभी से जो नीचे से खाली अपनी पट्टी बाकी है ना, हाँ जी पट्टी बाकी है इसको पहले जो है ना के राउंड शेप देना होता है, राउंड शेप जो भी है ना हल्का दे देने का इसको। ये देखिए गाइस इसे जो है राउंड शेप दे देना है आपको, इससे जो आपका जो ऊपर नीचे वही है ना उसको जो राउंड कर लेने का। क्या बात है भाई, इससे जो आपका घेर भी एकदम परफेक्ट बैठता है और परकर जो भागता नहीं होना, पेटीकोट भागता नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता। क्या बात है भाई, पट्टी जोड़ के जो है वो लगा के बताते हैं हम। ये देखिए पट्टी जो है जोड़ लेना आपको पूरी अखंड, पट्टी जो निकाला है ना हम वो वापिस जोड़ लेना। ये देखिए तीनों पट्टी जो ज्वाइंट कर लेने, ये देखिए गाइस ये लब की सिलाई भी मार लेने का पट्टी पे। ये देखिए पट्टी जोड़ने बाद लब की सिलाई मारना है। ये देखिए गाइस लब की सिलाई मारने के बाद पट्टी में अभी से ज्वाइंट करेंगे मास्टर। एक दाब जो है सीधे हिस्से पे रख के जोड़, एक दाब सीधे हिस्से पे, देखिए हमारा परकर जो सीधा है अब इसके ऊपर कम से कम जोड़ेंगे एक दाब से। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी पट्टी लगती है, एक दाब से सीना होता है। ये देखिए गाइस अब इसे यहाँ नीचे कट कर लेना है। ये देखिए अभी हमारा जो पेटीकोट है इसे सीधा कर लेना है, वापिस जो है एक इंच के करीब जो है जो पट्टी है वो दिखाने का रहेंगे। अच्छा ये देखिए इसे भी लब की सिलाई मारना है, जो हम सिलाई के इससे पहले लब की उसके ऊपर लब की सिलाई वापस कर। हम लोग जो है नाड़ी भी जो आप लोग देखे होंगे कि नाड़ी नहीं डाल रहे हम लोग, रेडीमेड नाड़ी डालते हैं जी। अच्छा रेडीमेड नाड़ी, हाँ जी रेडीमेड नाड़ी रहती है हमारी पेटीकोट के अंदर। हाँ जी ये हम लोग पेटीकोट के में जो है कपड़े की सीके नहीं डालते हैं, नहीं तो जैसे भाई मैं और देखे होंगे भी वो कपड़े खुद ही सीके मतलब वो लोग डालते हैं, घेर हमारा कम हो जाता है पेटीकोट का। हाँ इसलिए हम लोग जो है, और वो खराब भी हो जाती है, हाँ वो खराब भी हो जाती है, मजबूत नहीं रहती, हम लोग अलग से नाड़ी डालते है। क्या बात है भाई, ये देखिए जो इनका जो है ना क्वांटिटी जो है नाड़ी अलग से रहती है, पॉपलिन के कपड़े की नहीं रहती है, परकर के जो है कपड़े की नहीं रहती है नाड़ी। ये देखिए भाई जो इनका जो काम है ना भाई एकदम ऑफिशियल है भाई, मतलब कुछ भी कुछ ऐसा कुछ भी बता रहे भाई वैसा काम। सिंपल में देख लेना नाड़ी जो है हमारी जो है ना अलग से लगी रहती है, मैं आपको सिंपल में बताऊंगा भाई इनकी नाड़ी जो है अलग से लगी होती है। ये देखिए गाइस लब की सिलाई कर रहे हैं यहाँ पर मास्टर। ये देखिए गाइस यहाँ पर लब की सिलाई कम्प्लीट हो चुकी है, अभी सीधा कर लेना वापिस लब की मारने का। अभी इधर से नीचे की तरफ लग की नीचे की तरफ लग के मारने का। ये देखिए गाइस आपको जो है नीचे की तरफ लग की सिलाई मारना है, तो कुछ इस तरीके से आपकी पट्टी दिखती है। अब इसके ऊपर आप डिजाइन अपने मन से भी कर सकते हो, लेकिन मास्टर जो अभी अपनी डिजाइन बताने वाले हैं मछली डिजाइन, वो करेंगे हम। ये देखिए इधर कंप्लीट हो चुकी है सिलाई यहाँ पर, अब इस पे जो सिर्फ वो डिजाइन करना बाकी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको रखना है यहाँ पर। ये देखिए भाई क्या बात है भाई, देखिए ये इनकी डिजाइन हो रही है। और आप गाइस आप अपने मन से भी इसे अपनी तरह से भी डिजाइन दे सकते हो, ये यहाँ पे हमारे मास्टर का स्टाइल है। ये देखिए गाइस इसे होने के बाद अब इस तरीके से रखना है अपोजिट में, अपोजिट में रखने का। ये देखिए अपोजिट में रखने के बाद वापस जो है इस टाइप में जो हाथ से जो है घुमाते रहने का फिर वो बस। ये देखिए उनकी डिज़ाइन बेहतरीन तरीके से बनी हुई है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप, इसे मछली डिज़ाइन कहा जाता है। और आपकी सिटी में इस डिज़ाइन को क्या कहा जाता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट करना आपके शहर में नई डिज़ाइन रहेंगी तो कमेंट करना हमारे को आप। क्या बात है, हमारे इधर तो यही चलती है।
अच्छा, हमारे ग्रेटी डिजाइन पसंद करते हैं। और गाइस आपकी सिटी में पेटीकोट को क्या कहा जाता है वो भी हमें आप बताइएगा। अब ये देखिए हमारा जो पेटीकोट है वो कंप्लीट हो चुका है, चार उंगल ये कंपलसरी, सिर्फ चार उंगल यहाँ पर छोड़ने हैं और सिलाई करना है बस। आज हम इंटरलॉक पर मार के दिखा देंगे। हमारे यहाँ जो 42 इंचों का रहता है उस पर ओवरलॉक रहता है, हमारे भारी जो भी क्वालिटी रहती है उस पर ओवरलॉक रहता है। ओवरलॉक भी होता है मतलब? हाँ जी। तो मतलब भाई हर एक मतलब पेटीकोट पे होता है, ब्रांड पे? हाँ वही मतलब ब्रांड पे होता है ओवरलॉक, और लोकल जो क्वालिटी रहती है उस पर नहीं होता है जी। क्या बात है भाई, देखिए अभी ये इनका पेटीकोट जब रेडी हो, अभी ये देखिएगा ये ओवरलॉक जो है हमारे मास्टर कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी इसने भाई वर्क करने जाना है ना भाई, मतलब मजबूती आ जाती है, रेशा नहीं निकलता है और खूबसूरत भी रहता है। क्या बात है भाई, मतलब अपन कदा भाई सिला वालों तो कदा रेसा रेसा हो जाता है ना भाई, इसमें वैसा होता नहीं है, धोने के बाद जो है रेसा निकलते ही है, इसलिए हम लोग भारी क्वालिटी में ओवरलॉक मारते ही है कंपलसरी। क्या बात है भाई, देखो ये देखिए गाइस यहाँ पर जो हमारे मास्टर ने इंटरलॉक भी कर चुका है परकर को पेटीकोट हमारा, और अभी जो इसकी जो लेंथ है वो आपको बताएगी। ये देखिए हमारी कमर जो है, ये कमर देखिए गाइस ये 21 आ रही है, 21 हाँ जी, और इधर से देखिए ये 42 जो हम लोग, ये 42 क्या बात है, 42 हमारे परकर में नाड़ी भी रहती है। और ये देखिए गाइस ये नाड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है। हाँ क्या बोल रहे हैं मास्टर आप? हमारे कंपलसरी रहती है नाड़ी, कंपलसरी रहती है। हाँ नाड़ी रहती है। क्या बात है भाई, सिखाने के हिसाब से हम लोग अभी नहीं डाल, अभी नहीं डालो मतलब सिखाने के हिसाब से। क्या बात है भाई, मतलब और कहीं भी ना कपड़े की नाड़ी होती है वो मतलब टिकती नहीं है भाई, चलती नहीं है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से इनके इधर ब्रांड भी लग चुका है, यहाँ पर लेबल भी लग चुका है, ये देखिए। क्या बात है भाई, अब भाई ये जो रेंज रखी है ये क्या है? ये अभी काटने के ही है भाई, कटिंग के? हाँ कटिंग के है भाई। क्वांटिटी में अगर हमारे जो गाइस है हमारे जो दोस्त लोग है अगर उनको क्वांटिटी में काटने रहा तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे क्वांटिटी में कैसे काटते हैं हम लोग। क्या बात है भाई, चलिए गाइस फिर मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में।